मैथ्स की वजह से मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्या सिर्फ मैथ्स को छोड़ दूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, एमडेट फिगर, क्लासिफिकेशन, 25 में से आप खुद कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये सोच के कि मैं इस समय एग्जाम हॉल में बैठा हूँ। रीजनिंग जो कि आपका 25 नंबर का रहने वाला है, और रीजनिंग में भी एक एवरेज स्टूडेंट 20-22 नंबर्स आसानी से गेन कर लेता है। बट अगर आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैथ्स और रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसमें सही अप्रोच लगा रहे हैं, आंसर एलिमिनेशन भी कर रहे हैं, तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। वहाँ आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, तुक्का लगाएंगे गलत होगा, वो नंबर वहीं कटेगा। और अगर आप एक सही अप्रोच लगा रहे हैं, एलिमिनेट भी कर रहे हैं, तो आपका उस क्वेश्चंस का आंसर सही अप्रोच में, सही डायरेक्शन में जाएगा। मैथ और रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग की आपको तैयारी कैसे करनी है? जैसे मैंने बताया था, रीजनिंग में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन टॉपिक में से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, उन टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है। और रीजनिंग भी आपका 2 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर वर्बल रीजनिंग आपका 16 नंबर रखता है वेटेज, और नॉन वर्बल रीजनिंग आपका 7 नंबर यहाँ पर रखता है। 6 से 7 नंबर नॉर्मली आपको नॉन वर्बल के देखने को मिल जाते हैं। नॉन वर्बल में भी 6-7 टॉपिक होते हैं जो मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर करे थे, उन्हें मैं फिर से शेयर कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए, और कई बार ऐसा होता है इन 7 टॉपिक में से एक एक प्रश्न आपके यहाँ पर आ गए, लाइक मिरर इमेज, वाटर इमेज, एमडेड फिगर, क्लासिफिकेशन, कंप्लीट द फिगर एंड उसके अलावा उनको अरेंजमेंट लगाना। इस प्रकार से प्रश्न नॉन वर्बल के होते हैं। और अगर हम वर्बल की बात कर ले, तो वर्बल में भी जैसे मैं बात करती हूँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होते हैं, या आप कौन से प्रश्नों में उलझने वाले हैं, तो मैं बात करती हूँ सीरीज के क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। उसके अलावा आप सीटिंग अरेंजमेंट पे अपना ध्यान दीजिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर ध्यान दीजिए। 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। घड़ी कैलेंडर वैसे पिछले एग्जाम्स में नहीं पूछे गए, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही साफ है, उसमें भी एक आध बार थोड़ा बहुत रिवाइज उसे भी कर जाइए। उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको नीड नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये टॉपिक आ ही नहीं रहे हैं एग्जाम में। तो जिन टॉपिक्स की मैंने ज़्यादा बात करी है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग टाइप के, इन क्वेश्चन को आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ एनालॉजी की लैंग्वेज में आप जरूर फंसने वाले हैं, तो एनालॉजी जो लैंग्वेज आती है वो भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। एक आजकल एग्जाम में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन होता है आपका फिगर पर, और उस फिगर क्लासिफिकेशन को करने में इंसान जरूर अटक जाता है, क्योंकि उसका क्या लॉजिक होता है वो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको अच्छे से फोकस करने की नीड है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप ये समझते हैं कि हाँ मैं रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, तो आप डेली 25 क्वेश्चंस लगाइए अलग अलग टाइप के। तो आप रीजनिंग के लिए सेट लगा लीजिए, 25 क्वेश्चन दिन के लगाए या 50 क्वेश्चन लगाए, या आप गैप करके लगा सकते हैं, 25 सुबह लगा लिए, 25 शाम को लगा लिए। ओवरऑल आप दिन के 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के कर लेते हैं, तो भी आप रीजनिंग में एक अच्छे अप्रोच तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, बहुत से स्टूडेंट का ये कहना था कि मैम हमारी मैथ वीक है। कई स्टूडेंट का कमेंट में मैंने ये भी देखा कि मैथ्स की वजह से मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्या सिर्फ मैथ्स को छोड़ दूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स कई स्टूडेंट्स के लिए टफ सब्जेक्ट है। अगर आपका मैथ्स टफ सब्जेक्ट है और आप उसमें नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो मैंने किरण पब्लिकेशन की ये सेट आपको दिया था कि आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को करके देखिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, आप उसका सॉल्यूशन देखिए। वहां से भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप डिस्कशंस करके उसका आंसर लाइए और सही अप्रोच तक अपने क्वेश्चंस का जुगाड़ लगाइए। इस प्रकार से आप अगर मैथ्स में एक एक सेट भी लगाते हैं, तो आप 86 सेट है, अगर आप 40 सेट भी लगा पाए, 45 भी सेट लगा पाए, तो आप एक अच्छी मैथ में भी स्कोर कर लेंगे। जैसे 7 नंबर अभी अगर आप अपने स्कोर कर लेते हैं मैथ में, तो भी आप नियर हो जाएंगे सिलेक्शन के।
लास्ट में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, आप कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक का रिविजन कीजिए। अब आपके पास में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं तो आपको किसी भी नए टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ा है आप उसमें बिलीव कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन कीजिए। आपको एग्जाम में रिवीजन हमेशा, आप जितना रिवाइज करते हैं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग हो जाता है। एक स्टूडेंट ने बहुत सारी तैयारी कर ली बट वो उससे रिवाइज नहीं कर पा रहा, एक स्टूडेंट ने थोड़ा पढ़ा है बट उसे अच्छे से रिवाइज कर पा रहा है, तो बजाय पिछले स्टूडेंट की तुलना में पहले वाला स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेगा क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप हुआ है वो रिवीजन की वजह से बूस्टअप हुआ है। तो आपने जो पढ़ा है उसको आप 100% श्योर मान के उसका रिवीजन भी करते रहे साथ के साथ। उसके साथ ही हम बात करते हैं, आप मॉक भी लगा सकते हैं बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सोल्ड पेपर, जैसा मैंने सोल्ड पेपर सजेस्ट किया था, आप सोल्ड पेपर भी लगाते हैं तो वो भी एक टेस्ट और मॉक की तरह ही हो जाता है। आपने स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन लगाए, आप तुरंत ही उसका आंसर न देखे पहले अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, 25 में से आप खुद कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये सोच के कि मैं इस समय एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और 25 में से मैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अगर आपने 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे वो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है क्योंकि आप सभी जानते हैं आपकी एग्ज़ाम जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको अपने जो द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्न सही प्रतिशत सटीक मान के ही वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। इवन आप जिस क्वेश्चन में डाउट में रहते हैं वो आपको वहाँ फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करना है। सो आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। अगर आप 25 में से 19 भी लगा पा रहे हैं तो 19 आपके कम से कम सही होने चाहिए, बाकी भले आप सही ना करें पर 19 आपके कम से कम यहाँ पर सही होने चाहिए। तो इन लास्ट डेज की ये स्ट्रेटजी थी कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अपने वीक पॉइंट पे यहाँ पर ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक रह जाते हैं, किस टॉपिक में आप अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे या कौन से टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। नया टॉपिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जीके में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जीके में आप नया भी पढ़ते जाइए, टॉपिक एक एक करते जाइए, एक दिन का प्लस रिवीजन करते जाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या PYQ एग्जाम्स में पूछा जा रहा है या उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं लगा पा रहे या कुछ अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है उसको आप साथ ही साथ राइट डाउन करते जाइए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपको स्टडी में एक दिन की भी ढील नहीं देनी है। कई बार हो सकता है आपको यहाँ कुछ काम हो या कोई भी ऐसा हो सिचुएशन जिसमें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप दिन में एक दिन भी ऐसा आपका गवारा ना हो जिसमें आपने बुक से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आप एक दिन भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पीछे चल जाते हैं क्योंकि आपको पता है इस टाइम दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट्स में जो क्रेज़ है या जो एस्पिरेंट पिछली बार रह गए वो उन्होंने अब इस बार अपनी जी जान लगा दी है और इस बार सारे एस्पिरेंट जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है वो अपनी वर्दी ज़रूर इस बार हासिल कर लेंगे। सो इस प्रकार आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप ठान लीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ कर दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही आपका जो नंबर देता है वो एग्ज़ाम ही देता है, नहीं तो आपका फिज़िकल में कोई नंबर है ना ही आपका मेडिकल में कोई नंबर है। जैसे कई एग्ज़ाम्स में होता है कि फिज़िकल मान लीजिए 10 फुट कूद दिया तो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, 9 फुट उसने जंप मारा तो थोड़े कम नंबर आते हैं, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। फिज़िकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और मेडिकल भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। सो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका पेपर। पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे नंबर से उसके बाद में फिज़िकल की प्रिपरेशन आप साथ के साथ कर लीजिए। अगर आपका फिज़िकल भी वीक है और अगर आपका फिज़िकल वीक नहीं है तो सबसे ज़्यादा अभी फोकस करिए आप पेपर पर। पेपर एक अच्छे नंबर से स्कोर कर लेते हैं तो आपको दोनों ही कट ऑफ को पार करने में कोई भी मुश्किल यहाँ पर नहीं होगी। सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए या सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ समस्या यही है कि आपको अपना पेपर कैसे कवर अप करना है, कैसे अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। तो मैंने ये 3-4 आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, इसी को आप अब लास्ट के 1 महीने फॉलो कर लीजिएगा। इन 1 महीने में आपको बिल्कुल भी अपना डिस्ट्रैक्शंस नहीं देना है, थोड़े दिन अपना टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहिए और उसी चीज़ को आप यहाँ पर फॉलो करते रहिए। आप चाहे तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी का ये बेनिफिट होता है कि जैसे 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग पढ़ रहे हैं, उन 4 लोग का 4 अलग टाइप का माइंड होगा। एक प्रश्न को करने में अगर आप एक तरीका लेते हैं तो 4 लोग 4 तरीके से उस प्रश्न को हल यहाँ पर करते हैं, तो कुछ नई चीज़ भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो इन दिनों में अपनी पढ़ाई पर पूरा अच्छा ध्यान रखिए, पूरा फोकस करिए।
जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं, या मेरे तरफ से आपको ये लगे कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टाइम मिलने पर मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे टाइम नहीं भी मिल पाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट सेक्शन पे ही बना दूंगी। आपको जो नोट्स चाहिए वो नोट्स मैं डेली यहाँ पर डालती रहूँगी अपनी कम्युनिटी में, आप नोट्स वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हैं उनके भी शॉर्ट नोट आप यहाँ पर बना के रखिए। एग्ज़ाम से पहले आप उनको रिवाइज करके जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो उम्मीद करती हूँ आप इन लास्ट डेज में इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, और मिलेंगे हम 2024 में आपकी अपनी वृद्धि के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।